फ्रेंड्स, वेलकम टू चौहान किचन रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे की भाखरी। देख लेते हैं इसके लिए मैंने आज क्या क्या लिया है। भाखरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। ये थोड़ा सा मोटा आटा मैंने यहाँ लिया है, थोड़ा दरदरा है ये। यहाँ नमक लिया है मैंने, यहाँ पर घी लिया है मैंने, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सूजी ली है रोस्ट करके, और यहाँ पर थोड़ा सा जीरा लेंगे। सबसे पहले एक परात लेंगे, उसमें हम हमारा गेहूं का आटा ले लेंगे। मैंने 1 केजी के करीब गेहूं का आटा लिया है। इसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसके बाद इसमें 1 से 2 चम्मच हम सूजी डालेंगे। 1 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच पहले हम घी डालेंगे और इसको हाथों से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें और 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका मोयन हमको अच्छे से देना है ताकि अच्छे से भाखरी क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। ये देखिए, इसका मोयन देना हमको उतना है कि ये इस तरीके से बंधे। ये देखिए नहीं बंध रहा है, इसीलिए फिर इसमें फिर 2 से 3 चम्मच और घी डालेंगे। मैंने यहाँ लगभग 50 ग्राम जितना घी मैंने इसमें डाल दिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसको मिला लेंगे। देखिए ये अच्छे से मोयन आ गया है, मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और एक हार्ड डो लगा के रेडी करेंगे। हमको इसको एकदम सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो हमारी भाखरी अच्छे से नहीं बनेगी। इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस प्रकार से हाथ से दबाते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। देखिए कि मैंने आटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लिया है। मैंने इससे इसको मसला नहीं है, इसको सिर्फ हमने मिक्स करना है। इसको देखिए ये बहुत ही हार्ड है, ऐसा ही हार्ड हमको भाखरी के लिए चाहिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी बचा था, हम इस प्रकार से डाल देंगे और अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे फिर से, और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। इस प्रकार से ये आटा ऐसे बिना गूंथा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम हल्का सा ऐसे कर लेंगे, इसको ज़्यादा हमको गूंथना नहीं है। अब इसमें से हम भाखरी के लिए छोटे छोटे लोए बनाएंगे। हम भाखरी थोड़ी सी मोटी रखेंगे, इससे ये अच्छी बनती है। इस प्रकार से एक लोए लेंगे और आप चाहें तो थोड़ा सा घी लगा सकते हैं, वैसे ये चिपकेगी भी नहीं। और इस प्रकार से हम इसको बेल लेंगे। हमको छोटी छोटी ही भाखरी बनानी है और हमको थोड़ी सी भाखरी को रोटी को मोटा ही रखना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। ये देखिए ऐसा मोटा हमको इसको रखना है और ये पूरी के साइज़ की हम भाखरी बनाएंगे। अब इसमें हम ये चाकू की मदद से इस प्रकार से कट लगा लेंगे ताकि ये फूले नहीं और दोनों तरफ से अच्छे से सिक कर क्रिस्पी बने। इस प्रकार से चाकू की मदद से हम कट लगा लेंगे और इस प्रकार से हम भाखरी सब बना लेंगे। पहले देखिए मैंने यहाँ पे ये 4 भाखरी बना ली है। अब हम इसको अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे।
गैस चालू करेंगे, उसको हम मीडियम आंच पे रखेंगे और पैन रखेंगे, उसके ऊपर हम इस प्रकार से भाकरी रख देंगे और इसको धीमे आंच पर पकाएंगे जब तक ये एक तरफ से लाल ना हो जाए। देखिए अब इसको दूसरी तरफ से भी हम पलटा देंगे और इसी प्रकार से धीमी आंच पे इसको दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा पकने देंगे। इसको पीछे हम अब पलटा देंगे। देखिए ये पीछे से इस प्रकार से सिक गई है। इस देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से लाल हो गई है। ऐसे ही लाल हमको करनी है और ये अच्छे से अब बनकर रेडी है। इसी प्रकार से हम आगे भी भाकरी बना के रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी भाकरी बनकर रेडी है। कितनी क्रिस्पी बनी है ये देखिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।